नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ Redmi Note 11 सीरीज का स्मार्टफोन जिसका नाम है Redmi Note 11 SE। तो इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक डिजाइन, कैमरा पर देखेंगे कैसा रहता है ये स्मार्टफोन आपके लिए। सबसे पहले इसका प्राइस हम जान लेते हैं। दोस्तों, शुरुआत में जब ये लॉन्च हुआ था तब इसका प्राइस था 14,000 से 14,500 के आसपास, और अगर आज भी वही प्राइस मेंटेन रहता तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इस स्मार्टफोन को परचेज करो। लेकिन अभी इसका प्राइस काफी ज्यादा ड्रॉप हो गया है और आप इसे ऑनलाइन स्टोर पर 11,000 से 11,500 रुपए के आसपास खरीद सकते हैं। इसमें आपको मिलेगी 6GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। बैटरी 5000 mAh की। इसके अलावा क्या क्या दिया गया है इसमें खास, आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन नजर आएगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहां पर रेगुलर लाता रहता हूं। तो सबसे पहले बॉक्स पैकिंग पर नजर डालें तो व्हाइट कलर का ये बॉक्स है जिस पर आपको मोबाइल का डिजाइन दिख जाएगा। पंच होल डिस्प्ले मिलती है आपको इसमें। नीचे मॉडल नेम लिखा हुआ है। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। तो चलिए अब हम जल्दी से इस बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह से हमें बॉक्स को ओपन करना है और यहां पर हम बॉक्स को ओपन कर लिए हैं और अब यहाँ पर सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा रखा हुआ स्मार्टफोन। इसे फिलहाल रखते हैं साइड में और अंदर देखें तो यहाँ पर एक बेकार सा बॉक्स बनाया गया है। ये मुझे बेकार लगता है, एक अच्छा बॉक्स देना चाहिए था। तो बॉक्स में आपको क्विक स्टार्ट गाइड, यूज़र मैनुअल, फ़ोन को सेफ्टी देने के लिए कवर मिल जाता है। कवर की क्वालिटी ज़्यादा कोई खास नहीं लगी मुझे, नॉर्मल सा सिलिकॉन का कवर दिया गया है, थोड़ा सा बेटर हो सकता था। इसके अलावा बॉक्स देखिए, यहाँ पर इतना बड़ा बॉक्स दिया हुआ है कंपनी ने और इसके अंदर चार्जर आपको नहीं मिलता है। हालाँकि 33 वॉट का फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन, लेकिन वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए पर कितना बड़ा ये बॉक्स है बिना चार्जर का, जबकि पूरा एप्पल का कॉपी किया हुआ है कि मतलब एप्पल ने चार्जर नहीं दिया तो हम भी नहीं देंगे। लेकिन एप्पल ने तो अपने बॉक्स कितने स्लिम रखे हैं यहां पर आप देख रहे होंगे, लेकिन यहां देखिए इसने पूरा बड़ा बॉक्स रखा हुआ है। तो ऐसे में क्या धोखा हो जाता है कि कस्टमर जब दुकान से मोबाइल परचेज करने आएगा तो वो तो बोलेगा कि अंदर तो बॉक्स में चार्जर के लिए तो फुल स्पेस रखा हुआ है और चार्जर आप कैसे कह रहे हैं कि इसमें आपको चार्जर नहीं दिया गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बॉक्स का साइज ही घटा दो और या फिर बॉक्स में एक बाहर से बड़े बड़े फॉन्ट में लिख दो, जिस प्रकार अगर आपका 5G फोन रहता है तो उसमें आप बड़े फॉन्ट में लिख देते हैं 5G फोन है तो पता लग जाता है कि 5G फोन है। तो बिल्कुल वैसे ही चार्जर का भी लिखना चाहिए था, अंदर आपको चार्जर नहीं मिलेगा। इसके बाद हम रैपर से इस स्मार्टफोन को आजाद कर लेते हैं और ये रहा हमारा स्मार्टफोन। सबसे पहले फ्रंट लुक देखते हैं। स्क्रैच गार्ड इस पर आपको पहले से लगा हुआ मिल जाता है। पंच होल डिस्प्ले दी गई है और इन एंड फील ये स्मार्टफोन मुझे काफी स्लिम और लाइट वेट लगा। आप हाथ में काफ़ी अच्छे से इसे कैरी कर सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है ये हाथ में। और ये है इसका बैक पैनल। प्लास्टिक बॉडी मिलती है, कॉर्नर इसके कर्वी है और ये हमारे पास है स्पेस ब्लैक कलर वेरिएंट और इसके अलावा 3 कलर वेरिएंट आपको इसके और मिल जाते हैं, बायफ्रॉस्ट ब्लू कलर, कॉस्मिक व्हाइट कलर और थंडर पर्पल कलर। जो भी कलर वेरियंट आपको पसंद आता है आप परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं इसके बैक पैनल को मूव करता हूं तो यहां पर आपको कलर चेंज होते हुए नजर आ रहे होंगे जो काफी कमाल के। ये देखिए ब्लू हो गया और यहां पर दूसरा कलर और इस साइड देखें तो यहां पर आपको काफी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बैक पैनल में देखने को मिल जाता है। लाइट रिफ्लेक्शन में इसके कलर चेंज होते हैं जो काफी कमाल के लगते हैं। इसके अलावा नीचे रेडमी की ब्रांडिंग की गई है और ऊपर जो कैमरा सेटअप है तो ज्यादा कोई नया डिजाइन यहां पर नहीं लाया गया है रेडमी के। इससे पहले जो रेडमी 10 Prime 10S उन्हीं का जैसा यहां पर कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा मिलता है आपको 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैशलाइट दिया गया है। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। मोबाइल को हमने फुल इंस्टॉल कर लिया है। यहां जो इंटरफेस है वो ज्यादा कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। रेडमी के कई सारे मोबाइल में आपको बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस मिलता है। सबसे पहले नजर आपकी एज और बेजल्स पर जाएगी जो आपको कॉर्नर और ऊपर से तो थिक मिल जाते हैं लेकिन नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा आपको
मिलती है। इसके अलावा सबसे पहले तो इसकी ब्राइटनेस को हम 100% कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले आपको इसकी मिल जाती है। अगर आउटडोर भी आप यूज करते हो तो इजिली आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर आपको सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। प्री इंस्टॉल ऐप भी भर भर के दी गई है। अनवांटेड एप्लीकेशन को तो फोन से रिमूव करके प्ले स्टोर से अपनी पसंद की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टच स्मूथ लग रहा है। इसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले की, तो 6.43 इंच की आपको इसमें मिलती है फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 409 PPI की दी गई है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल जाता है। हाइट है इसकी 160.4 mm, 74.5 mm इसकी विड्थ है, 8.3 mm की थिकनेस मिलती है, 179 ग्राम के आसपास इसका वेट आता है और 5000 mAh की बैटरी इस पर लगी हुई आपको मिलती है। इसके बाद हम इसकी सेटिंग को ओपन करेंगे तो सेटिंग का इंटरफेस लगभग सभी रेडमी के मोबाइल जैसा ही आपको यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हमें जाना है सबसे ऊपर जो अबाउट फोन सेक्शन है, इसे हमने ओपन कर लिया है। MIUI वर्जन पुराना ही दिया गया है, मुझे लगा यहाँ पर लेटेस्ट होगा। 12.5.18 का मिलता है MIUI वर्जन। स्टोरेज मीटर यहाँ पर दिया गया, स्टोरेज से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस स्टोरेज मीटर के अंदर आपको मिल जाती है। आपका स्टोरेज जहाँ जहाँ यूज हुआ है उसकी डिटेल्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एंड्रॉयड वर्जन भी आपको इसमें पुराना ही मिलता है 11। ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करें तो 6GB रैम दी गई है। वर्चुअल रैम का सपोर्ट यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, अगर होगा तो हम आपको वीडियो में आगे बता देंगे। 2.05 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है। चिपसेट आपको बढ़िया दिया गया है, MediaTek Helio Z95 का एक गेमिंग चिपसेट आपको इसमें मिल जाता है। गेमिंग के लिए अगर आप स्मार्टफोन परचेज करना चाह रहे हैं तो परचेज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। लेकिन कुछ फीचर्स इसके थोड़े पुराने लगे मुझे। 12 nm का फैब्रिकेशन, माली G76 के आपको इसमें ग्राफिक मिलते हैं। रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का दिया गया है। 512 GB तक आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। अब हम इसका कैमरा भी देख लेते हैं जो है 64 MP का और साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर नॉर्मली आपको बहुत ही कम सेट में देखने को मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। कैमरा क्लैरिटी तो बढ़िया लग रही है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं। जूमिंग पावर भी काफी ज्यादा दी गई होगी, 10x जूम सपोर्ट मिल जाता है और वाओ काफी क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज फट नहीं रही है और कलर जो है वो बिल्कुल भी फेल नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे कलर आपको नजर आएंगे जैसा हमें एक्चुअल अभी नजर आ रहा है। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम 1x पे आ जाते हैं जो नॉर्मल कैमरा मोड है। अब यहाँ पर हम कम करते हैं जूम आउट और 0.6 MP तक ले गए और कितना और स्पेस इसने कैप्चर कर लिया। पोर्ट्रेट में अगर आप पिक्चर कैप्चर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक बार करके देख लेते हैं बैकग्राउंड कितना ब्लर करता है ये। तो ये देखिए यहाँ पर हमने की पिक्चर कैप्चर, तो ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ही क्लीन आ जाता है, ये देखिए बिल्कुल साफ। और जो बैकग्राउंड था ये वॉच आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ब्लर हो गई है। तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड दिया गया है जो मुझे काफी अच्छा लगा। कैमरा के लिए परचेज करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन लगा मुझे, जिसमें आपको नाइट मोड 64 MP का जो कैमरा है वो यहाँ से इनेबल होगा और कैमरा क्लैरिटी मुझे काफी अच्छी लगी। एक पिक्चर यहाँ पर हमने 64 MP से भी कैप्चर कर ली और जूम करके आपको दिखाते हैं तो बहुत ही क्लीन इमेज आपको इसकी मिल जाती है। इसके बाद आप इसमें शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, पैनोरमा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स दोनों दिए गए हैं। AI वाटर मार्क भी आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा प्रो, अगर आप प्रो लेवल के फोटोग्राफर हैं तो प्रो मोड भी आपको इसमें दिया गया है। हम फ्रंट कैमरा को ओपन कर लेते हैं तो 13 MP का है, ठीक ठाक बढ़िया है सेल्फी कैमरा। जूम सपोर्ट तो नहीं मिलता है, एक सेल्फी हम यहाँ पर कैप्चर करके आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इससे ली गई सेल्फी कुछ ऐसी फट नहीं रही है फुल जूम होने के बाद भी, तो सेल्फी उतना खास नहीं लगा मुझे जितना इसका रियर कैमरा लगा। तो फ्रेंड्स, ये था रेडमी नोट 11 सीरीज का स्मार्टफोन रेडमी नोट 11 SE। मोबाइल 11,000 रुपए का अगर आपको मिलता है तो दोस्तों मैं कहूंगा परचेज कर लीजिए। चार्जर तो आपके पास घर में भी पड़ा होगा या फिर कोई भी चार्जर आप इस पर यूज कर सकते हो। 11,000 रुपए की कीमत में मिल रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है, जिसमें आपको एक अच्छा चिपसेट मिल जाता है, 6GB की रैम दी गई है, 64 MP का कैमरा मिल जाता है, साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सपोर्ट दिया गया है, टाइप सी ये सपोर्ट करता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको दिए गए हैं, IR ब्लास्टर आपको इसमें मिल जाता है, फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी आपको इसमें मिल जाता है, खास अगर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया होता तो और भी बढ़िया हो जाता
जाएगा। और मोबाइल जो है डस्ट प्रूफ है, स्प्लैश प्रूफ है, हल्का फुल्का पानी मोबाइल का कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, धूल दाल भी कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। हालांकि कवर जरूर चढ़ा के रखें, बैक पैनल जो है जितना अच्छा दिख रहा है उतनी जल्दी यहाँ पर स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। कवर का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा लगा के रखें। बाकी सब कुछ तो बढ़िया मिल जाता है 11,000 रुपए के अंदर। अगर 11,000 रुपए से ऊपर आप इसे परचेस कर रहे हैं तब तो आपके पास कई अदर ऑप्शन भी खुल जाते हैं। आजकल तो मोबाइल फोन्स का कंपटीशन चल रहा है, 5G का जमाना आने वाला है, तो 4G स्मार्टफोन को तो प्राइस ड्रॉप करना ही पड़ेगा। क्या पता कल के दिन ये 10,000 रुपए से कम भी आ जाए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।